मलेशिया में सियासी बहरान में इजाफा। मलेशिया के स्पीकर पार्लियामान ने महातीर मोहम्मद के नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए आइंदा हफ्ते वोटिंग के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। मलेशिया के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कायम मकाम सरबरा महातीर मोहम्मद की जानिब से नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आइंदा हफ्ते वोटिंग के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, जिसके साथ ही मलेशिया में सियासी बहरान में मजीद इजाफा हो गया। महातीर मोहम्मद का कहना था कि बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को भारी अक्सरियत की हामिल उम्मीदवार ढूंढने में मुश्किल का सामना है और वो इसके बाद ऐवान ज़ीरीं के वोटों के मोहताज होंगे। तहम ताखीर की सूरत में फौरी इंतखाबात करवाए जाए, जिस पर स्पीकर असेंबली मोहम्मद आरिफ मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आईन के तहत सिर्फ बादशाह को वजीर आजम के तकरर का इख्तियार है और इंतखाबात के इनाकात का फैसला भी बादशाह करेंगे। महातीर का बयान तयशुदा तरीके कार के खिलाफ वर्जी है।